दोस्तों, आज मैंने पूरम पोली बनाई थी, तो पूरम पोली का थोड़ा सा सारण बचा हुआ है, तो उससे आज हम बनाएंगे पैनकेक। इसके लिए हमें जो बचा हुआ पूरन है उसे हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। बाद में हमें इसमें 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा डालना है। बाद में हम इसमें सुंठ की पाउडर डालेंगे। बाद में हमें इसमें थोड़ा सा दूध डालना है। दूध डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें ज़रूरत के हिसाब से ही इसमें दूध डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, इस तरीके से हमने इसकी पेस्ट बना ली। आपके भी बचे हुए पूरन का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सोडा डालेंगे। आप चाहो तो इसमें इनो डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारी पेस्ट कितने अच्छे से फूल रही है। हमें इसे एक ही दिशा में लगातार घुमाते रहना है। देखिए, ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन। पैन को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। बाद में हमें इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाना है। आपके पास देसी घी है तो लगाइए, नहीं है तो आप इसमें तेल लगा सकते हैं। हमने जो पेस्ट बनाई थी उस पेस्ट को अब हम पैन के ऊपर डालेंगे। बाद में हम इसके ऊपर थोड़ी सी चेरी डालेंगे। चेरी डालना ऑप्शनल है। चेरी डालने से बच्चे भी इसे बड़े मुँह से खा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। चलिए, अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को देखते हैं। अभी हमारा केक बेक नहीं हुआ है। अब हम इसके ऊपर फिर से ढक्कन रखकर इसे और 2 मिनट तक बेक कर लेंगे। देखिए, अब हमारा केक अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और नीचे के साइड से भी इसे ब्राउन कलर आ चुका है। अब हमारा पैनकेक तैयार हो चुका है। हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहिए और मज़ेदार खाना खाते रहिए।